हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ये वाला मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है ये क्लीन गर्ल मेकअप लुक है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आप इसको मेकअप नो मेकअप लुक भी कह सकते हो बट ऑन द अदर साइड इसमें थोड़ा सा मेकअप है बट बहुत ही क्लीन बहुत ही सटल बहुत ही न्यूड मेकअप है सो so, वीडियो अभी तक जरूर देखिएगा मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ गाइज आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड हाँ गाइज मैं अपनी मेकअप वर्कशॉप भी स्टार्ट करी है उसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो वहां पे आपको मेरी क्लासेस की सारी डिटेल मिल जाएंगी तो विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट सो मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है और आप ऑलरेडी देख सकते हो कि स्किन केयर करने के बाद मेरी स्किन ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है अगर आपको जानना है कि स्किन केयर कैसे करते हैं तो देर इज अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट आप वो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्राइमर से तो आज मैं प्राइमर के लिए यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है पोर फिलिंग प्राइमर है अफोर्डेबल रेंज में आता है तो इसको मैं जरा सा लेके अपने पूरे ऑल ओवर द फेस पे लगा एंड फोकसिंग माई टीजोन एरिया जहाँ पे मेरे को ज्यादा पोर्स है आप कहीं पे भी प्राइमर प्लेस कर सकते हो ऑल ओवर द फेस पे भी या फिर आप सिर्फ जहां पे आपके ज्यादा पोर्स विजिबल है आप सिर्फ वहां पे भी प्राइमर लगा सकते हो बट प्राइमर का मेन काम होता है आपके पोर्स को फिल इन करना और आपके मेकअप की लॉन्जिविटी को बढ़ाना मतलब यानी कि मेकअप आपका ज्यादा देर तक टिका रहे इसलिए हम प्राइमर लगाते हैं तो मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करती हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे पोर्स ज्यादा हैं एंड उसके बाद मैं स्प्रेड कर लेती हूँ पूरे फेस पे हम ऑलमोस्ट क्लीन गर्ल मेकअप लुक कर रहे हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज करने वाली हूँ बहुत नेचुरल डूए मेकअप करने वाली हूँ तो उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का फाउंडेशन ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन है एंड ये डूएफ

मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशन कर रखे हैं मेकअप आर्टिस्ट के तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे से क्लास लेने में वन ऑन वन या मेरे बैचेस भी चलते हैं तो आप मेरे को डी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड विद दी हेल्प ऑफ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन मैंने लगा लिया है एंड ऑलमोस्ट अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया आप देख सकते हो देर इज नो हाईलाइटर नथिंग नो स्ट्रो क्रीम एंड स्टिल मेरा बेस कितना ड्यू लग रहा है क्योंकि मैंने एक ड्यू फाउंडेशन लिया जिस है जिससे मेरा फेस हाइड्रेटिंग लगे एंड बहुत नेचुरल सा ग्लो आए और अब मैं इसके बाद यहाँ पे यूज करने वाली हूँ कंसीलर ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है अगर आप कंसीलर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो वरना यू कैन टोटली स्किप इट और आज मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर बहुत ज़्यादा नहीं बहुत हल्का सा बस अपने अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से हाईलाइट हो जाए ब्रिज ऑफ द नोज़ और बहुत हल्का सा यहाँ चिन पे और थोड़ा सा फॉरहेड पे एज मैंशन ये पर्सनल चॉइस है किसी को लगाना हो तो लगा सकता है स्किप करना हो तो स्किप भी कर सकता है मैं इससे ही अपनी आ, लेट भी कर लूँगी ताकि मेरे को अलग से आईलेट्स पे कंसीलर ना लगाना पड़े कितनी ब्यूटिफुली ब्लेंड हो गया है कंसीलर लगाने से मेरे को एक एडिशनल कवरेज मिल गई है मेरे आईज के पास और मेरे को अब और कुछ लगाने के हाइलाइटिंग कंसीलर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है अब जनरली मैं क्या करती हूँ फाउंडेशन लगाने के बाद अपने फेस को पाउडर से सेट कर लेती हूँ बट आज मैं पाउडर से सेट नहीं करूँगी बिकॉज मेरे को बहुत नेचुरल विद इन द ग्लो वाला फिनिश चाहिए तो मैं पाउडर्स कम ज्यादा यूज करूंगी क्रीम प्रोडक्ट ज्यादा यूज करूंगी तो इसके लिए आज मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर रही हूँ एनवाई बे की कॉन्टोर स्टिक मैंने बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं लिया है मैंने एक टू टू थ्री शेड डार्क कर लिया है ताकि मेरा अच्छे से एकदम सनकेज लुक आए अब मैं यहाँ पे ब्राउन्जर कर रही हूँ हल्का सा जहां से मेरा चीक स्टार्ट हो रहा है वहां से एयर स्टार्ट हो रहा है सॉरी एंड देन सेम पे भी हमको करना है और इसको आपको ज्यादा आगे तक नहीं लेके आना है ठीक है जहां पे आपके आईब्रोज का एंड हो रहा है आप वहां तक इसको ले आओ इस तरीके से हल्का सा मैं नोज पे भी करूंगी इस तरीके से सी थोड़ा सा फोरहेड में साइड पे जहाँ जहां हम ब्राउन्ज़र लगाते हैं ना वहां वहां हम ये कॉन्ट्रो स्टिक लगाएंगे मैं जॉलाइन नहीं कॉन्ट्रोल करना चाहती हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा लगेगा और हम यहाँ पे बहुत कम मेकअप लुक करने वाले हैं इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ एंड लुक एट दिस की कितनी ब्यूटिफुली ब्लेंड होता है हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रॉन्जर या कुछ भी ब्लेंड करें ना तो इसको आउटवर्ड्स मोशन में सपोज मैंने यहाँ लगाया इसको आप आउटवर्ड्स मोशन में इस तरीके से ब्लेंड करोगे सी कितना नेचुरल फिनिश आ रहा है सेम नोज भी आप इस तरीके से ब्लेंड करोगे सेंटर्स पे नहीं जाओगे क्योंकि सेंटर्स पे आपने हाइलाइटर लगाया है आप देख सकते हो मेरी नोज कॉन्ट्रोल लग रही है क्योंकि बीच में आपने और कंसीलर लगाया था और साइड्स में हमने कॉन्ट्रोल कर दिया सेम हम यहां पे भी कर लेंगे ब्रॉन्जर हमने कर लिया है अब बारी आती है हमारे ब्लश की तो अगर आपके पास क्रीम ब्लश है तो आप वो लगा सकते हो लिप एंड चीक टिंट है तो आप वो लगा सकते हो मेरे पास दोनों नहीं है तो मैं क्या करती हूँ मैं अपनी एक कोई भी क्रीम लिपस्टिक जो बहुत ज्यादा हाईली पिगमेंटेड है उससे मैं अपना क्रीम ब्लश लगाती हूँ अगर आपने मेकअप आई रिग्रेट्स बाइंग में देखा होगा तो मैंने ये वाली लिपस्टिक उसमें दिखाई थी दिस इज फ्रॉम मनीष मल्होत्रा मैं ये लिपस्टिक कभी भी अपने लिप्स पे नहीं लगाती हूँ मैं इसको हमेशा एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्रीमी है और मेरे को मैट पसंद है तो आप देख सकते हो इसकी हालत ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है बट वट आई डू इज कि मैं इसको लेती हूँ ऐसे एंड आई ट्रब माई फिंगर्स इस तरीके से एंड मैं यहाँ पे इसको ब्लश लगाती हूँ अगर आपको जानना है कि कैसे ब्लश लगाते हैं अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग तो उस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगी आप जाके चेक कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको कैसे ब्लश लगाना है इस तरीके से आपको ब्लश लगाना है बहुत सिंपल है बट आपको इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है वरना आप भूत टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ जब भी आपको बहुत नेचुरल फिनिश चाहिए ना तो आप हमेशा क्रीम प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जाओगे बिकॉज ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं इनटू योर स्किन एंड आपको बहुत ही ज्यादा नेचुरल फिनिश देता है कितना ब्यूटिफुली ब्लेंड हो गया है दोनों तरफ एंड कितना अच्छा फिनिश आया है ठीक है इस तरीके से आपको करना है कॉन्टोर हो गया ब्लश हो गया अब बारी आती है हाईलाइटर की और उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ शुगर की हाईलाइटर स्टिक एंड ये एक शैम्पेन कलर की हाईलाइटर स्टिक है जो जो एरियाज मुझे हाईलाइट करने हैं मैं ये वहां पे लगा लूंगी ब्रिज ऑफ माई नोज माई चीक बोन्स बो माय चिन माई फोर हेड मैं यहाँ पे हाईलाइटर लगा दूंगी अब मैं क्रीम हाईलाइटर इसलिए लगा रही हूं ताकि सेम रीजन मेरे को विद इन द ग्लो वाला फील है इसको भी मैं विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड कर लूंगी आप देख सकते हो कितनी नेचुरल शीन आ रही है तो डेफिनेटली ट्राई करना ये वाली टेक्निक कि कैसा टर्न आउट होता है एंड अगर आपको मेरे से मेकअप क्लास करनी है ना तो आई कैन गारंटी यू कि मैं जो आपको मेकअप सिखाऊंगी ना इतना अफोर्डेबल प्राइस में कि पहली बात तो इतना अफोर्डेबल प्राइस आपको कोई मेकअप सिखाएगा नहीं दूसरी चीज कि आपको प्रो कर दूंगी मेकअप करने में कि आपका मेकअप कभी भी पैची के की ग्रे कुछ नहीं पड़ेगा बहुत अच्छे से किसी में भी मेकअप कर पाओगे आप तो यहाँ पे हमने हाइलाइटर लगा लिया है क्रीम प्रोडक्ट हमारे सारे हो गए अब हम अपने बेस को सेट करें बेस को सेट करने के लिए आज मैं यूज कर रही हूं मिस क्लेयर का लूज पाउडर ले रही हूं एक फ्लफी ब्रश और इससे मैं इसे टैप टैप करके स्पेशली अंडर आईज पे जहां पे मैंने कंसीलर लगाया था मैं वहां पे सब सेट कर रही हूं आपके पास अगर लूज पाउडर नहीं है तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो वर्क द सेम आप ब्रश या डैम ब्यूटी ब्लेंडर से भी अपना पाउडर लगा सकते हो अब आप देख सकते हो मैंने पाउडर ऑलमोस्ट लगा दिया है उसके बाद भी मेरे फेस से ये शाइन नहीं गई है बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्किन प्रेप करी है और उसके बाद मैंने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स लगाए हैं जिसकी वजह से मेरा पाउडरी इफेक्ट कम आया है विद इन द ग्लो वाली चीज ज्यादा आई है मेन सब मेकअप का, का सारा फंडा ना आपके स्किन केयर के ऊपर जाता है अगर आपका स्किन केयर अच्छा है ना तो मेकअप ऑटोमेटिकली टर्न आउट अच्छा बेस हमारा हो गया है अब हम सेट करेंगे अपनी को तो उसके लिए आज मैं यूज कर रही कलर बार की आई पेंसिल एंड दिस इज इन शेड जीरो वन बहुत ही अच्छी आईब्रो पेंसिल है इसकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है बहुत ज्यादा नहीं हल्का सा इसको लाइन कर रही हूं ताकि जो मेरी आईब्रोज है थोड़ी सी सेट लगे हमेशा आप यहां से स्टार्ट करोगे ऊपर की तरफ से सेंटर से स्टार्ट करोगे आगे से नहीं ठीक है एंड दिस ब्रश विद अ स्पूली तो आपको स्पूली भी अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी एंड इसको आप अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर लो लुक एट दिस डिफरेंस देख रहे हो आप एक आईब्रोज को मैंने शेप दिया एक आईब्रोज को नहीं शेप दिया तो जल्दी से दूसरे आईब्रोज को भी शेप दे देता है दोनों आईब्रोज को शेप दे दिया है अब मैं हल्का सा वार्म दूंगी अपनी आईलेट्स पे बिकॉज मैंने आईलेट्स पे कंसीलर लगा लिया तो अगर मैं कंसीलर नहीं लगाऊंगी तो मेरी आईज बहुत ज्यादा ब्राइट और लग लगेगी इसलिए कुछ मिसिंग है तो लिए उसके लिए मैं बहुत वार्म कलर यूज करूंगी उसके लिए आज मैं यूज करूंगी ये वाला ट्रांजिशन कलर और विद द हेल्प ऑफ अ फ्लफी ब्रश मैं इसको ऑल ओवर मा आईलेट्स लगा लूंगी कुछ भी ज्यादा नहीं करना है बहुत फटाफट वाला मेकअप लुक है जो आप अगर आपको टेक्निक्स और सब आता है ना तो आप पांच मिनट में भी इसको क्रिएट कर सकते हो मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ तब मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लग रहा तो आप तो सोचो अगर मिरर के सामने बैठ के करोगे तो आपको कितनी जल्दी आपको आ, ये लुक हो जाएगा आप देख सकते हो मैं इसको ब्रश से कर रही हूँ एंड कितना अच्छा डेफिनेशन आ रहा है एक नेचुरल लुक आ रहा है मेरी आईज के अंदर बिल्कुल भी वार्म नहीं थी तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी वार्मनेस देनी थी ताकि मेरा जो नेचुरल लुक है वो बाहर आए एंड ऐसा नहीं लगे कि मैंने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा है दैट्स इट मैंने हल्की सी दोनों आईज में वॉर्मनेस दे दी है एंड वॉर्म कलर्स यूज कर लिए हैं और मैं कोई भी कलर नहीं यूज करने वाली हूँ उसके बाद मैं फॉल्सीज को आज स्कीप करूंगी बिकॉज हम बहुत ही नेचुरल लुक के टोवर्ड्स जा रहे हैं तो आपको अपने आई को बहुत अच्छे से आपको करना है उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ माई फेवरेट मस्करा दिस इज लॉरिया लाश पैराडाइज मस्करा इसके साथ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फॉल्सीज लगाने की एंड मैं मस्करा ले रही हूँ एंड मैं इसको अपनी आई लाशेज पर लगाऊंगी लुक एट दिस मैं इन्हें बस एक बार ऐसे करके जस्ट हल्का सा ब्रश छुआ है एंड लुक एट द पिगमेंटेशन एंड इसका जो ये वॉल्यूम एंड लेंथ देता है लुक एट दिस डिफरेंस देख रहे हो आप तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितनी ज्यादा हैवी लैशेज चाहिए आप इसको यूज कर सकते हो आईज पे नीचे भी लगा लेंगे ये सेम चीज एंड दोनों आईज में मैंने मस्करा लगा लिया है मैं इससे ज्यादा हैवी लैशेज पे नहीं जाती हूँ विद मस्करा बिकॉज मेरे को लगता है कि बहुत दिक्कत होती है फिर बाद में लगाने में एंड मेरे को आईज में पेन भी होने लगता है तो अगर मेरे को इससे ज्यादा हैवी लैशेज चाहिए होती है तो मैं फॉल्स लैशेज लगा लेती हूँ बट मस्करा मैं इतना ही लगाती हूँ उसके बाद हम चलते हैं हमारी लिपस्टिक पे मैं बहुत ही लाइट सेटल लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ उसके लिए आज मैं यूज करूंगी फेसेस कैनेडा की वेटलेस मैट फिनिश लिपस्टिक और इसका जो शेड है वो है प्रिटी सीपिया ये एक ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउन कलर है एंड इसको मैं अपने लिप्स पर लगा लेती हूँ और यहाँ पे हो जाता है मेरा मेकअप लुक कंप्लीट सो दिस इज माई क्लीन गर्ल मेकअप लुक होप यू गाइज लाइक इट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको मेरी मेकअप टिप्स और ट्रिक्स पसंद आती हैं कि नहीं आपको ये वाला लुक कैसा लगा सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय